हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर ऑफिस होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के जो है क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिरी खिदमत हूं। और आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं मैं आप लोगों को। पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो है एक साथ मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। देख पा रहे होंगे आप लोग, उर्दू कंपलसरी ISC ICOM IA सभी के लिए जो है, सभी स्ट्रीम के लिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है। और आप लोग बिल्कुल यहाँ पे देखिए, हूबहू जाकर के आप लोगों को इसमें इम्तिहान हॉल में यानी एग्जाम हॉल में आप लोगों को बिल्कुल इस तरह हूबहू जाकर के लिख देना है, छाप देना है, ठीक है ना। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है, मेरे द्वारा जो नोट्स PDF प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि फुल गारंटी आप लोगों को दिया जाता है, इससे ही आपका मेंस और बोर्ड एग्जाम में जो है आना है, ठीक है। तो मेरे नंबर पर आप लोग आज ही रब्ता करें और कंप्लीट नोट्स PDF को प्रोवाइड करना और पेड कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो जाए। मेरा नंबर है 9508217 6060, ठीक है। दोबारा से मैं नंबर को लिख रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को नोट कर लेना है नंबर को, ठीक है ना। चलिए देख पा रहे 9508217 6060, ठीक है। इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं चाहे तो। चलिए फाइनली हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं आप लोगों को देख पा रहे होंगे, दर्जदर मारूस सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल जाते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक पे पूछ रखा है, नजीर अहमद फरतुल्ला बेग के कौन थे, शागिर्द, वालिद, उस्ताद या फिर चचा। यह आपका बिल्कुल ऑरिजिनल पेपर है। कल जो है अगले साल का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को बताया था, पहले ही बता दिया था, ठीक है। यह आपका ओरिजिनल पेपर जो कि 2022 में आप लोगों का पूछा जा रहा है सेंटअप एग्जाम में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नजीर अहमद फरतुल्ला बेग के कौन थे, उस्ताद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर दो पे, नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिंफ से है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाका। अगला सवाल, सवाल नंबर तीन पे पूछ रखा है, फरतुल्ला बेग के मजमुआ मजामीन फरहत के नाम से कितने जिल्दों में शाया हुआ था। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीन नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 7 जिल्दों में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 जिल्दों में शाया हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आग हवा पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, तो सबसे कमतर जो है मिट्टी को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर पे, मसूर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी। 6 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई थी, सवाल नंबर 6 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1879 में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1879 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे पूछ रखा है, सॉरी 1879 बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1878 हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शिवली नुमानी। 9 नंबर क्वेश्चन, मजमून इंशाया क्या है, इसके मुसन्निफ कौन है, सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वजीर आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंशाया को दिखकर इसनाब से कौन सी चीज मुमीज करती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर रस्मी तरीकाकार हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1922 ईस्वी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है, सही आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वजीर आगा। 13 नंबर सवाल, हिजरत क्या है, ये आप लोगों के बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि सेंटअप में भी पूछा जाता है, मेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग सारा क्वेश्चन को अच्छे से रट जाएंगे। देखिए हिजरत क्या है, ये एक इंशाइया है। 14 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई थी, अहमद जमाल पाशा की वफात ऑप्शन नंबर सी 1987 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। देखिए 15 नंबर सवाल, बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है, दास्तान, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन, किस सिंफ में माफुकुल फित्री अनासिर के कार फरमाई हुई थी, सही आंसर आपका 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास्तान हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदही कीजिए, सबरस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, टोबा टैक्सिंग का ताल्लुक किस सिंफ से है, 18 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा, टोबा टैक्सिंग का ताल्लुक अफसाना से है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सहरा किसके सर है, आपका 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सज्जाद हैदर यलदरम। उसके बाद 20 नंबर सवाल, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिंफ कहां से आई है, 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताना आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मगरिब से आई है, ठीक है, मगरिब का मतलब होता है पश्चिम से आई है, ठीक है ना। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, इवाने गजल का ताल्लुक किस सिंफ से है, सवाल नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नावेल से है। 22 नंबर क्वेश्चन, अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तذکرہ हुआ है, 3 भाइयों का तذکرہ हुआ था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे, जनरल रवि रंजन जो है नजीर अहमद के, सॉरी ये पे यहां पे आपको नजीर अहमद दिया है,
तो आपका क्या हो जाएगा, नजीर अहमद नहीं होगा, ठीक है। जनरल रवि रंजन क्या है, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे, तो पुराने दोस्त थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस अफसाना निगार को सहायता अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सलाम बिन रज्जाक को जो है 1998 ईस्वी में सहायता अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सलाम बिन रज्जाक, और सलाम बिन रज्जाक को जो है सहायता अकादमी अवार्ड से कब नवाजा गया था, 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में 2000 से 2 साल कम, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अफसाना निगार जो शामिल निसाब है। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सलाम बिन रज्जाक। 26 नंबर क्वेश्चन, गुबार खातिर का किसका मजमुआ है, तो खतूत का मजमुआ है, आप लोगों को मालूम ही है। 27 नंबर क्वेश्चन, गुबार खातिर में कितने खतूत हैं, तो 24 खतूत है टोटल, आपके निसाब में 3 खतूत है। 28 नंबर क्वेश्चन, मौलाना आजाद का असल नाम क्या था, मोहिउद्दीन नाम था। उसके बाद देखिए फटाफट 29 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए, काला पानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनविश्त है, एहसान दानिश ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, जैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है, तो आपका क्या हो जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोग एक बार बताने की कोशिश करना। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महमूद ने कहा है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, हाकिम की जमा क्या होगी, हाकिम की जमा हुक्काम हो जाएगा, आपका क्या कहाँ पे हुक्काम, ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, माजी शिक्षा की एक मिसाल दीजिए जिसमें शक हो रहा होगा वह आया होगा, मैं आप लोगों को कल ही पढ़ाया था। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, माजी बैत की एक मिसाल है, वह गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर पे, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात क्या है, ये आपका जरबुल इमसाल हो जाएगा, जरबुल मिसल हो जाएगा, जरबुल मिसल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रखा है, दर्जैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, मुअन्नस आपका चिराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन, इस्म के बदले में जो लफ्ज आए उसे क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है, तो आपका हो जाएगा फायदा मतलब निकालना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब निकालना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्कूल क्या है, स्कूल यह एक इसमें ज़र्फ़ है। 40 नंबर क्वेश्चन, ज़हीन तालिबे इल्म में ज़हीन क्या है, तो आपका सिफत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका क्या है, साबका आपका शुरू वाला खुश हो जाएगा, कल ही मैं आप लोगों को बताया था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, नसीब की जिद क्या होगी, नसीब की जिद फराज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, दर्जैल में इसमें मारफा कौन है, इसमें मारफा आपका हिमालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, दर्जैल में माजी बैत की निशानदेही कीजिए, वह गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, मिजाज की जिद क्या होगी, मिजाज की जिद हकीकत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, दर्जैल में इसमें फाइल कौन है, इसमें फाइल आपका कातिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर बिल्कुल। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, माना के अतबार से इसमें की कितनी किस्में, इसमें की दो किस्में होती है, इसमें जात, इसमें सिफत, ऑप्शन देखिए। अगला सवाल नंबर 48 पे, गालिब आलम की कौन सी किस्म है, गालिब जो है आलम की तखल्लुस, गालिब जो है आलम की पांच किस्म होती है, किसी किसी किताब में 6 किस्में, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, गालिब जो है आलम की कौन सी किस्म है, तो तखल्लुस है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंजुम के माना होते हैं, अंजुम के माना सितारा होते हैं। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, दर्जैल में से नावल कौन है, तो नावल तौबतुन नसी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तौबतुन नसू, तौबतुन क्या हो जाएगा, नसू। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, जुल्मत की जिद क्या होगी, जुल्मत की जिद आपका अंधेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा, और जुल्मत की जिद आपका तारीकी का मतलब होता है अंधेरा। 52 नंबर क्वेश्चन, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब है, आपका सही आंसर जरूरत एक काम से, क्या हो जाएगा, एक काम के साथ कई काम निकालना, ठीक है। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, फसाना अजायब किसकी दास्तान है, रजब अली बेग सुरूर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, यूजुन मोहनताला किस जुबान का शायर है, यूजुन मोहनताला इतालवी जुबान का शायर है, ठीक है, आप लोग मालूम ही होगा, इतालवी अभी चैप्टर नंबर 5 में ही आप लोग लास्ट में पढ़ के छोड़े हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिलानी बानू का ताल्लुक किस शहर से है, आपका हो जाएगा जिलानी बानू का ताल्लुक हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग चैप्टर नंबर 5 बोले तो शुरू का हिस्सा नसर का नहीं, हिस्सा नजम का चैप्टर नंबर 5, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया गया, मिसरा मुकम्मल कीजिए, आपका साया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिसरा तो पहले ही मैं मुकम्मल कर चुका हूं, खाली जगह में आपका साया हो जाएगा, ठीक है। देखना 57 नंबर क्वेश्चन, बाज पुराने लफ्जों की तहकीक किसका मजमून है, तो ये आपका सैयद सुलेमान नदवी हो जाएगा ना, सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है, ठीक है। अब देखिए, अब 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, किस शायर का ताल्लुक सूबे बिहार से है, सूबे बिहार से अता काकवी का है, काकू में ये एक बिहार सॉरी
बिहार में एक काको नाम से जगह है, वहीं पे इनकी जो है पैदाइश हुई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे, दर्ज ज़ैल में से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? अकबर इलाहाबादी कौन सा क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बरके खलीसा हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है तजहीके रोजगार क्या है, ये आपका तजहीके रोजगार पूछ रखा है। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कसीदा हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताजा हवा में हवा क्या है, हवा आपका हवा पूछ रखा है ना, मौसम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीर एक गजल को शायर है, इसमें लाहिका क्या है, लाहिका लास्ट वाला हो जाएगा, गजल गो में आपको ध्यान रखना है, गजल शुरू वाला और गो जो है आपका लास्ट वाला, आपका गो पूछ रखा है इसलिए आपका लाहिका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, फरार किसका अफसाना है, फरार आपका अफसाना किसका है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का, ये क्लास 10th से आपको आ गया है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए थे, भीमराव अंबेडकर जो है 1891 ईस्वी में पैदा हुए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर पे, खेती किसकी नज्म है, खेती अमी खनफी। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अकबर इलाहाबादी होगा, क्या होगा 65 नंबर क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा अकबर इलाहाबादी। खेती खेती पूछ रखा है ना, खेती तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, खेती अमी खनफी का ही होगा। आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लें इसको किताब देख करके, ठीक है, अमी खनफी या फिर अकबर इलाहाबादी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, बरके कलीसा क्या है, बरके कलीसा 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जरीफाना नज्म है बरके कलीसा। 67 नंबर क्वेश्चन, गमे अरशद किसका लिखा हुआ तारीख है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोग पहले बताना। चलिए 67 का ऑप्शन नंबर ए जो भी बताए हैं अता काकवी बिल्कुल सही है। 68 नंबर क्वेश्चन, आवारा किस शायर की तखलीक है, तो आपका क्या हो जाएगा मिजाज, क्या हो जाएगा, और 68 नंबर क्वेश्चन है ना, 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजाज लखनवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फसाने अजाइब क्या है, फसाने अजाइब आपका एक दास्तान है। 70 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, मुजक्कर की बात करें पहाड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर पे, ओदे हिंद किसके खतूत का मजमुआ है, तो गालिब के खतूत का मजमुआ है, उर्दू मौला ओदे हिंद ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है, पेश किया जाता है, नज़्म निगार नज़ीर अकबर आबादी हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, जदीद उर्दू नज़्म की रवायतों में सबसे पहली नज़्म किसको तस्लीम किया गया है, सबसे पहली नज़्म शबे कदर को तस्लीम किया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई थी, 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में हुई थी। 75 नंबर क्वेश्चन, दर्ज ज़ैल में कौन सी नज़्म अमीर हनफी की है, 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खेती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे आप लोग, 76 नंबर क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया था, 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 1898 ईस्वी में जो है नवाजा गया था खान बहादुर, ठीक है, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर खिताब से कब नवाजा गया था, 1898 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, नज्म बरके कलीसा में शायर ने गुलशन फितर की बहार किसको कहा है, तो मिस को कहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर किसको अपना सरदार मानता है, जो दीवान दे दे उसको अपना सरदार मानता है मुतशायर, बनावटी शायर। ठीक है, 79 है, मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता, जी हुजूरी से कभी नहीं थकता है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया, तो आपका जाहिदा जैदी इतालवी से तर्जमा किया था। ठीक है, जाहिदा जैदी जो है इतालवी से उर्दू में तर्जमा किया था। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, युद्धन मोन्ताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया था, तो 81 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1975 ईस्वी। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा नवेद शाह किसे कहा जाता है, तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गालिब को मिर्जा नवेद शाह कहा जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है, तो फिल्मी गीत से नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन को मैं जब तक खाली रखता हूं आप लोग बताना कौन सा सही होगा इसका। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी गजल में एक से ज्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हुस्न मतला क्या हो जाएगा, हुस्न मतला हुस्न मतला। ठीक है, आपका मक्ता मतला, जब किसी गजल में एक से ज्यादा मतला हो तो उसे हुस्न मतला ही कहते हैं। ठीक है, हुस्न मतला, देखिए ये हुस्न तलब है, हुस्न मतला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, ये मिस्रा किस शायर का है, ये मिस्रा आपका 85 नंबर क्वेश्चन का पहले आप लोग बताना उसके बाद हम बताएंगे। 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्जा गालिब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन, किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है, तो गालिब शिकन 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यगाना चंगेजी को कहा जाता है। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन, दर्ज ज़ैल में खलील रहमान अज़मी की तसनीफ कौन है, तो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शायर का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा, 88 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जोशमली आबादी। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, इनमें खलीलुर रहमान अजमी का मजमू कौन है। 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका 89 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नया ओहदनामा, क्या हो जाएगा नया ओहदनामा। सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पी जाइए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, मर्सिया की तमहीद को क्या कहते हैं, तो 90 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चेहरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर पे, कसीदा निगारी का निकाश अव्वल किसे कहा जाता है, तो 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, क्या हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए रफी सौदा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, ठीक है। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, जुल्फ तेरी है मौत जमुना की, इस मिसरा का शायर कौन है। 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वली दक, क्या हो जाएगा, हाँ वली दखनी हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखेंगे हम लोग, क्या होगा 93 नंबर क्वेश्चन के, मद्दा का तालुक किस सिंफ शायर से है, तो 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कसीदा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में से शेख गुलाम अली राशि किसके शागिर्द थे, तो 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीर तकी मीर हो जाएगा, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, चार मिसरों पर मुस्तमल सिंफ को क्या कहते हैं, तो रुबाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, 6 नंबर पे, उर्दू की माँ किसे कहा जाता है, आप लोग क्लास 10th में पढ़ रखे हैं हिंदी को कहा जाता है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं है, तो हम दर्द का ताल्लुक जो मौलाना आजाद से नहीं है, ठीक है, सर सैयद अहमद खान से। 98 नंबर क्वेश्चन, सवाने निगार के वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात बयान करता है क्या कहलाता है, तो उसे खुद नविश कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, दर्द ज़हर में से मिजाज के मजमुआ कलाम का नाम बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी संगे पैराहान, क्या हो जाएगा संगे पैराहान। 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तसव्वुर किया जाता है, वली दखनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वली दखनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फाइनली, तो फाइनली आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और आइए हम लोग सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पूछ रखा है दर्ज ज़ैल उनवानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए, हमारा वतन मिर्ज़ा गालिब दोस्ती और गर्मी का मौसम, हम लोग यहाँ पे जो है एक का ही हम लोग हल करेंगे, ठीक है, किसी में एक का ही हल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब का हल करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर पर पूछ रखा है आप लोगों को, मंदरजा ज़ैल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए। देखिए फलक ऐसा हमारे दर पर एजाद न था आगे, ठीक है, ये क्वेश्चन का हम लोग नहीं करेंगे, ये देख लीजिए जिसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्या पूछ रखा है, रंज से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, ठीक है। रंज से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, इसको रिपीट कीजिए एक बार और, क्योंकि आगे आप लोगों को और एक बार काम आने वाला है ये शेर। आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा दो नंबर वाला क्वेश्चन में कि मिर्जा गालिब का एक शेर को लिखे, तो यहां पे आप लोग आसान से लिख सकते हैं कि रंज से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। वैसे ये आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो आप लोग इसको देख करके लिख लेना, ठीक है, मिर्जा गालिब के शेर में। अब आइए दूसरा का जो हम लोग हल करेंगे, क्या है आप लोगों का, क्या है कि क्यों गर्दिश से मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूं प्याला व सागर नहीं हूं मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पर हुर्फ मुकर्रर नहीं हूं मैं। ये सारा का हम लोग दो का जो इसमें से चार पूछ रखा है, चार में से दो का बनाना रहता है, तो दो का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रखा है, मुंदरजा ज़ैल इक्तिबास साथ की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से कीजिए। आप लोगों को ये देखिए क्या पूछ रखा है, इब्तदाही से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि हुकूमत का ख्वाह और जलवा से गुरेज रहा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे, या फिर वो मालूम है तो ठीक, नहीं है तो ये आप लोगों को बनाना है, बट हम लोग ऊपर वाले का बनाएंगे। आइए उसके बाद आप लोगों को क्या पूछ रखा है, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें उन्हें इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताइए, ठीक है, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें उन्हें इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताइए। तो आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मजमून का, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, खतूत वाला वीडियो में, ठीक है, उसमें मैं कंप्लीट आप लोगों को बता रखा हूँ। या फिर आप लोगों को ये याद है, अपने बड़े भाई को एक खत लिखिए और स्कूल के हालात बताइए, ठीक है, ये आप लोग बता सकते हैं, या फिर जो है इसको लिख सकते हैं, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें उन्हें इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताए। वैसे मैं वालिद के ऊपर तो नहीं, वालदा के ऊपर लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए, तो वालिद की जगह आप लोग सॉरी वालदा की जगह वालिद लगा देना, वो भी आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं दो नंबर वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग
साथ में सॉल्व करके जाते हैं, ठीक है। पांच नंबर पे है, दरअसल सवालों में से सिर्फ पांच के मुख्तसर जवाब दीजिए। देखिए, अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, इसका हम लोग नहीं बनाएंगे। इसमें कितना बनाने बोल रहे हैं आप लोगों को, पांच किसी जो है पांच का ही आप लोगों को जवाब देने बोल रहा है, यानी दस क्वेश्चन पूछा है, दस में से आप लोगों को पांच का जवाब देना है, दो नंबर करके प्रत्येक में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, इसका नहीं बनाएंगे। रंज से खोगर होने से क्या मुराद है, इसको भी हम लोग नहीं बनाएंगे। जो भी ईजी लगेगा आप लोगों के लिए, जो याद हो जाए एक बार में, वही सारे को बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, गुफ्तगू नज्म को शायर ने किस नाम मंसूब किया है, तो आप लोगों को मैं हाल ही में ही पढ़ा चुका हूं, गुफ्तगू नज्म को शायर किस नाम से जो है मंसूब किया है, तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम से गुफ्तगू नज्म को मंसूब किया है। इस तरह आप लोगों को दो लाइन में लिख लेना है, पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अब्दुल कलाम आजाद ने गुबारे खातिर के खतूत कहां लिखे थे, तो आप लोगों को जवाब देना है, अब्दुल कलाम आजाद ने गुबारे खातिर के खतूत कलआ अहमदनगर जेल में लिखे थे। कहां लिखे थे? कलआ अहमदनगर जेल। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, खानाबदोश के नाम से बंजारों को जाना जाता है। तीन क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है और दो काम लोगों को करना है। देखिए, अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई, तो अली सरदार जाफरी की वफात जो है 9 सितंबर 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। कब? 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 1921 ईस्वी में अली सरदार जाफरी की वफात हुई थी। कहां वफात हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है ना, आप लोग डेट भी दे सकते हैं इसमें। तो अली सरदार जाफरी की वफात 9 सितंबर 1921 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग कहेंगे, क्या पूछ रखा है कि मिर्जा गालिब का एक शेर लिखिए, तो मैं आप लोगों को जो बताया था, जो शेर आप लोगों को पहले में बताया, उस शेर को बिल्कुल हूबहू आप लोगों को छाप देना है, ठीक है ना। देखिए, अब आगे पूछ रखा है, इंशाया शेरी सिंफ में या नसरी सिंफ है, इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इंशाया जो है शेरी सिंफ नहीं है, ये क्या है? नसरी सिंफ है। तो बस इस तरह लिख देना है कि इंशाया ये एक नसरी सिंफ है, इसको आप लोग लिख देना। उसके बाद देखिए, नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया है, नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया है? यूजुनो मोहनताले ने किया है। किसने किया है? सॉरी, नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा जो यूजुनो मोहनताले, इतालवी में लिखा था बट इसका उर्दू में तर्जमा किया है आपका जाहिदा जैदी। क्या हो गया? जाहिदा जैदी ने उर्दू में तर्जमा किया है। कौन किया है? जाहिदा जैदी, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, मुंदरजा ज़ैल में किसी तीन सवालों के जवाब दीजिए, मर्सिया के अजाय तरकीब बयान कीजिए, वजीर आगा या सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ पेश कीजिए, नज्म मेरा सफर या गुफ्तगू का मरकजी ख्याल वाजा कीजिए। अब देखिए आगे कह रहा है, साद हसन मंटू का तारुफ पेश कीजिए, बागो बहार के किसी एक किरदार का तारुफ पेश कीजिए, इंशाया क्या है वजाहत कीजिए। ये सारा आप लोगों को पांच नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। अब देखिए आगे आप लोगों को पूछ रखा है, दरअसल इबारत की तलखीस पेश कीजिए, अल्लामिया ने इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं पैदा किया जो इस तरह इस टाइप का है, या फिर उसको जानते हैं तो ठीक है, या फिर नहीं जानते हैं तो आप लोग इसको बना सकते हैं। दरअसल में से किसी एक का अफसाना, दरअसल में से किसी एक अफसाने का जो है खुलासा लिखिए, ठीक है, इस टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन है। आइए फटाफट से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोले थे कि गालिब के बारे में बनाएंगे, देख लीजिए फटाफट, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट अगर मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लेंगे और बेहतर होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं उसके लिए, कमजोर स्टूडेंट के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, गालिब का असल नाम मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब और गालिब तखल्लुस करते थे, इब्तिदा में गालिब असद तखल्लुस रखा, फिर बाद में चलकर गालिब रखने लगे, ठीक है। शाही दरबार से नजामुद्दीन दौला का खिताब मिला था, गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था, गालिब की जो है पैदाइश आगरा में 1806 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि उनका नस्ली ताल्लुक ईरान से था, चुनांचे उनके आबा व अजदा ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे, 5 साल उम्र में उनके जो वालिद का इंतकाल हो गया। अब अपने चचा नसरुल्ला बेग खां के जो है सरपरस्ती में तालीम व तरबियत पाने लगी। उस तरह आप लोगों को इसको पूरा पढ़ लेना है, खुद से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ने में आ रहा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोगों को इसका कंप्लीट सिलेबस का जो है कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्या पूछ रखा है कि क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं, यही आपको लिखना है असदुल्ला खां गालिब का शेर। देखिए तशरीह किस तरह करना है आप लोगों को, दो नंबर इसमें मिलेगा आप लोगों को, देख लीजिए। पेश नज़र शेर मिर्जा गालिब के शामिल निसाब पहली गज़ल का दूसरा शेर है, इस शेर पर गौर करने से यह पता चलता है कि
यह इस जमाने का शेर है, जब मिर्जा गालिब मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में रसाई हासिल करने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। चुनांचे गालिब गर्दिश अय्याम यानी अपनी दुनियावी परेशानियों से घबरा कर हालात की बेबसी का शिकवा करते हुए कहते हैं कि तावील आजमाइशों से गुजर कर किसी भी आदमी का दिल घबरा ही जाएगा, आखिर में इंसान ही तो हूँ, प्याला व सागर की तरह बेजान चीज़ नहीं हूँ। इस शेर में गालिब ने नामवाफिक जो है हालात को शिकवा करते हुए अपनी मजबूरियों और बेबसी का इजहार किया है। यह आपको इस तरह का तशरीह कर देना। देखिए, मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पढ़ाया था, वो पढ़ाने का बिल्कुल फ़ायदा हो गया, जितना मैं पढ़ाया था उसके अंदर से ही आया है सारा का सारा, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन 3 वीडियो अपलोड किया हूँ, देख लीजिए, अगर यकीन नहीं आ रहा है आप लोगों को प्ले लिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लीजिए, जितना मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ बस बिल्कुल उसी से ही फंस चुका है, ठीक है। क्यों करती से मुदाम से घबराना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं, ये आपको हाल ही में ही पढ़ा रखा हूँ, नहीं यकीन आ रहा है प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। देखिए, रंज से खोकर हूँ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, ये भी मैं आप लोगों को हाल ही में पढ़ा रखा हूँ तशरीह वाला वीडियो में, ठीक है। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है ना, जाकर के एक बार देख लेना फिर यकीन आ जाएगा। देखिए जवाब, देखिए तशरीह, यह शेर गालिब के एक मशहूर गजल से लिया गया है, ठीक है। इसमें जो है शायर ने एक नफ्सियाती नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए अपनी तकलीफ व जिंदगी और अमन के एहसास का माना हेज अंदाज में इजहार किया है। वह कहते हैं कि इंसान पर मुस्तकबिल दुख व तकलीफ और रंज नाजिल होते रहते हैं तो वह इसका आदि हो जाता है। मेरी जिंदगी किस मुफलिसी के साथ जो है बेबसी कम आएंगी और तकलीफों के साथ ऐसी गुजरी है कि मैं भी इसका आदि हो गया हूँ, ठीक है। अब इन एहसासात के साथ जीते हुए मुझको जो है दुश्वारी महसूस नहीं होती, ठीक है। ये भी आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। 4 नंबर बिल्कुल फिक्स, उधर का भी आप लोगों का 8 नंबर फिक्स हो गया। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। इब्तदा से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि हुकूमत का ख्वाह, और इसका आप लोगों को क्या पूछ रखा था क्वेश्चन में कि इसका सियाक व सबाक के हवाले से इसका जो है क्या कहते हैं हिस्सा नसर का आप लोगों को इसको तशरीह करने बोला है। देखिए तशरीह कैसे करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। ज़ेरे तशरीह इबारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शामिल निसाब खतूत में, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर इसमें मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ज़ेरे तशरीह इबारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शामिल निसाब खतूत में पहले खत से माखूज है जो मौलाना आज़ाद या फिर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मजमूआ खतूत गुबारे खातिर का हिस्सा है, ठीक है। शामिल निसाब 3 खतूत में ये पहले खत का हिस्सा है जो कलआ अहमदनगर जेल से 2 अगस्त 1924 ईस्वी को लिखा हुआ है। देखिए कलआ अहमदनगर जेल, जिसको भी नहीं लिखना आता है यहां से आप लोग लिख लेना, कलआ अहमदनगर जेल, ठीक है। 2 अगस्त 1924 ईस्वी का लिखा हुआ है। खत के मकतूबे अलिया मौलाना आज़ाद के सिद्दीक मुकर्रम नवाब हबीबुर रहमान खान शिरवानी हैं। खत का दर्ज बाला इक्तिबास आप बीती की नौयत का है, जिसमें मकतूब निगार ने चीन के हालात व कैफियत को बयान किया है, जिसका खुलासा यह है कि मौसूफ 12-13 साल की उम्र में बच्चा का हरकतों से दूर रहे और संजीदगी का यह आलम था कि अफराद खाना से छुपकर किताबों के मुताला में मसरूफ रहा करते थे, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ पे आप लोगों को अब्बू के बारे में लिखने बोला है, तुम लोग अम्मी के बारे में लिखकर के लेके आए हैं, बट यहाँ पे मोहतरम अम्मी जान की जगह आप लोगों को अब्बू जान कर देना है, ठीक है ना। देखिए आज इम्तिहान हाल 2 फरवरी 2021 मोहतरम मीजान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ठीक है। अर्ज है कि मैं यहाँ खुदा के फजल व करम से और आपके दुआओं के बरकत से बिल्कुल बेखरो आफियत हूँ। आपका भेजा हुआ शफकत नामा मौसूल हुआ कर आप लोगों को क्या लिखना है, मोहतरम अम्मी जान ने लिखना है, मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अर्ज है कि मैं यहाँ खुदा के फजल व करम से और आपकी दुआओं के बरकत से बिल्कुल बेखरो आफियत हूँ। आपका भेजा हुआ शफकत नामा मौसूल हुआ, घर वालों की तफसीली खैरियत से वाकफियत हुई। जो लुत्फ खत में है वो मोबाइल की गुफ्तगू में नहीं, आपने खत में मेरी तालीम व तरबियत से मुतालिक दरियाफ्त फरमाया है। इस सिलसिले में मुख्तसर बातें पेश खिदमत है। मैं यहाँ एक हॉस्टल में रहता हूँ जहाँ मुनासिब तालीम माहौल मुझे हासिल है, ठीक है। सुबह की नमाज के लिए तमाम तलबा जो है सवेरे बेदार हो जाते हैं, मैं भी तलबा के साथ। आप लोगों को अगर दिक्कत परेशानी हो रही है ना, वीडियो को लिख कर रोक रोक करके आप लोग इसको जो है पढ़ना अपने से खुद से, ठीक है। सुबह की नमाज के लिए तमाम तलबा सवेरे बेदार हो जाते हैं, मैं भी तलबा के साथ फजर की नमाज से फारिग होकर दरस कुरान प्रोग्राम में शामिल हो जाता हूँ। फिर थोड़ी देर मुताला करके 9 बजे तक नाश्ते से फारिग होकर तैयार होता हूँ। बाकी आप लोग अगर चाहें जो मैं लोगों को सवाल बताया था उसका सवाल का जो है डायरेक्ट YouTube से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट मार लीजिए, पूरा अगर पढ़ाएंगे तो इसी में पूरा जो है टाइम बीत जाएगा। अब आइए
जो क्वेश्चन था हम लोगों का क्वेश्चन था कि बाघो बहार की नस्ल की एक अहमियत लिखिए, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा था कि बाघो बहार के किसी एक हिस्से के बारे में बताइए, तो हम लोग नस्ल की अहमियत के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखना, इसमें आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, देखिए, उर्दू नस्ल की तारीख में बाघो बहार को लाजवाल तसनीफ समझा जाता है और उसकी मुसन्निफ मीरामन दहलवी को उर्दू में सादा निगारी का मौजूद मौजूद जो है कहा जाता है। यह भी हकीकत है कि बाग व बहार की नसर निगारी और उसके सादगी व रवानी से उर्दू नसर निगारों को यह तहरीर मिली के नसर को शायराना हरफों से अलग करके, यहाँ पे हरफों होगा, शायराना हरफों से अलग अलग करके हम उसे जो है आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यही कहें तो बेजा नहीं होगा कि बाग व बहार जो है सिलसिले और रवा नसर नवेसी के अव्वलीन तजुर्बा गाह है। मीर अमन ने अरबी व फारसी रवायत और शायरी के गलबा को जो दरकिनार करते हुए उर्दू नसर को अपने असल बुनियादों पर खड़ा करने का हौसला दिखाया। मीर अमन ने रवायती तौर पर ज़ुबान व अदब को जो तालीम हासिल की थी, इससे बहुत सारे मामलात में इख्तलाफ करते हुए जो है ये नया तजुर्बा किया, ठीक है। आप लोग इसको खुद से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और धीरे धीरे आप लोग इसको खुद से देख लीजिए, ठीक है, इसका पूरा कंप्लीट देख लीजिए। अब आइए प्रेमचंद के बाद, ये तो अलग है, ठीक है, ये अलग है। अब देखिए, यह आपका एक क्वेश्चन पूछ रखा था, फिर 5 नंबर वाला कि मर्सिया के अजाय तरकीबी बताइए, ठीक। अब देख लीजिए, मर्सिया के अजाय तरकीबी क्या क्या है, चेहरा है, इसके बाद सरापा है, रुखसत है, उसके बाद आपका कहाँ गया, एक मिनट, बहुत आगे पीछे चले गए, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, निकाल रहा हूँ। हाँ देखिए, क्या क्या है, आमद है, उसके बाद रुज है, जंग है, शहादत है, बीन है। अब सबको विस्तार से देखेंगे क्या किसको किसको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। चेहरा को क्या कहते हैं, देखिए चेहरा को कहते हैं, चेहरा उस हिस्सा में अमूमन हमद नात मनकबत और मुनाजात वगैरह तमहीद के तौर पर बयान किए जाते हैं। सरापा, देखिए उस हिस्सा में मर्सिया के हुनर के कदोकामत और खाल व खत वगैरह का जिक्र होता है। देखिए नेक्स्ट, रुखसत, हीरो का जो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्ह से जंग में जाने के लिए इजाज़त लेना शामिल है, ठीक है। अब देखिए रुखसत से किसको वगैरह का जिक्र, हाँ इसमें हो गया, रुखसत भी हो गया। अब देखिए आमद, हीरो का घोड़ा, क्या कह रहा है, हीरो के घोड़े पर सवार होकर शान शौकत के साथ रज्म गाह में आना। अब देखिए रुज किसे कहते हैं, तो हीरों के ज़ुबान से अपने नसब की तारीफ और फने जंग में अपनी महारत का इजहार करना, ठीक है। अब देखिए जंग किसको कहते हैं, हीरो को किसी नामी पहलू उनसे जो है या दुश्मनी के फौज से बहादुरी के साथ लड़ना। अब देखिए आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं फटाफट से, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन मेन एग्जाम में आप लोगों का टकराएगा, ठीक है, टकराना ही है। बाकी जो भी मेरे पेड कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है तो उसको तो मिल ही जाएगा इसका पीडीएफ, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए शहादत, हीरो का दुश्मनों के हाथ जख्मी होकर शहीद हो जाना, ठीक है। बीन, देखिए हीरो की लाश पर उसकी अजीज़ों खसूसन औरतों का रोना वगैरह, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब मेरा सफ़र में जो है आप लोगों को पूछा था मेरा सफ़र, या फिर और एक पूछा था, क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन आप लोग देख करके फटाफट इसका आंसर बना सकते हैं। देखिए मेरा सफ़र नज़्म में मंजर निगारी पर एक नोट लिखिए, इसमें नोट है आपका तैयार कर रहा हूँ मैं। ज़ेर निसाब नज़्म मेरा सफ़र के शायर अली सरदार जाफरी हैं। इस नज़्म में शायर ने फलसफियाना अंदाज अख्तियार किया है। उनकी यह नज़्म मंजर निगारी की बेहतरीन मिसाल है। चुनांचे शायर फरमाते हैं कि मौत हर जानदार के लिए लाजिमी है, लेकिन उसके साथ पैदाइश का अमल भी जारी रहता है। शायर ने मौत के सफ़र की मानूयत को इस नज़्म में पेश किया है। इसने उसने पहले ही मिसरे में कहा है, फिर जो है एक दिन ऐसा आएगा कि मौत से पहले आँख की रोशनी चली जाएगी, ज़ुबान से इसकी गोयाई जो है छीन ली जाएगी, बोली छीन ली जाएगी। अब तक ज़िंदगी में इंसान जो भी खुशगवार लम्हे गुजार चुका है, मौत से क्या कह रहे हैं देखना आगे, तो आगे नहीं है बाकी
मौत के बाद जो है इसको क्या कर जाएंगे, मौत से कबल सारा चीज़ जो है भूल जाएंगे, आप लोग इस तरह लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था, बिल्कुल हूबहू जो क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ बिल्कुल हूबहू आप लोगों को सेंटअप एग्जाम में पूछ रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, दर्ज झल में से किसी एक उनवान पर खुलासा लिखिए, या फिर आप लोगों को और एक चीज़ लिखना था तो खुलासा मुझे बेहतर लगता है, तो खुलासा चाहे वो बनाइए आप, या फिर यामा आपको ऑप्शन रहता है, या फिर ये बनाइए, दोनों में से किसी बना सकते हैं, ठीक है। पाँच नंबर आप लोगों का मिलता है, कामिल इनकलाब का मरकजी ख्याल बना सकते हैं, भोले बिस्तर गीत, या फिर बड़के कलीसा, तीनों का बिल्कुल ऑलरेडी मैं बना के लाया हूं, देख लीजिए फटाफट। कामिल इनकलाब का सबसे पहले देखते हैं, कामिल इनकलाब का देख लीजिए, कामिल इनकलाब जयप्रकाश नारायण की एक अंग्रेजी तकरीर है, ठीक है, तकरीर है, टोटल रिवोल्यूशन का अंग्रेजी तकरीर का जो है उर्दू तर्जमा है। इस तहरीक का जो है, इस तहरीक का सियासी पस मंज़र था, सियासी क्या था, पस मंज़र था, यानी आज़ादी के बाद जब सियासी मंजरनामे पर एक एक करके हमारे मुजाहिदीन आज़ादी सियासी निज़ाम का हिस्सा बनकर रफ्ता रफ्ता अपनी इनकलाब पसंदी से अलग होते जा रहे थे, ऐसे वक्त में जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में बिहार में तालिब इल्मों की तहरीक के क़यादात हाथ में लेकर एक कामयाब मुल्क गैर अवामी तहरीक की बुनियाद रखी। यह तहरीक इब्तदा जमहूरियत के नाम पर आमरियत के ख़िलाफ़ तहरीक थी, ठीक है, लेकिन उसके मौजूआत और दायराकार में रफ्ता रफ्ता वसअत पैदा हो गई और न जाने कितनी समाजी और सियासी बुराइयों के ख़िलाफ़ नमरूद क्या कह रहे हैं, चलिए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नमरूद उस आंदोलन का मकसद अव्वलीन बन गई, आप लोग खुद से इसको देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मारने के लिए मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ठीक है, इसको पूरा एक बार देख लीजिए और इसको आराम से आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोले बिस्तरे गीत के उनवान से हमारे निसाब में एक अफसाना शामिल है जिसके तहकीक, इसका जवाब आप लोगों को मैं दे रखा हूँ, पीडीएफ में मिल जाएगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेड कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो ही जाए तो बेहतर होगा, मुकम्मल आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बहुत कम फी रखा गया है, इसमें आपकी जो है तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं मैं नंबर दोबारा से लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, 9508210487 60। ये क्वेश्चन पेपर इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ा, ठीक है, बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए मैं बना के लाया हूँ बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि उसका मैं छोड़ दिया हूँ, सारा सॉल्यूशन और मैं लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है। देख लीजिए नज़्म बरक कलीसा, ये सारा इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि ये मेन्स एग्जाम में इसमें से कोई एक ना एक फंसेगा, ठीक है। नज़्म बरक कलीसा अकबर इलाहाबादी की एक तंजिया व मजाहिया नज़्म है, यह एक तंज व मजा और ज़रीफाना शायर की हैसियत से अकबर इलाहाबादी ने उर्दू शायरी में अपनी अलग शनाख्त बनाई है, ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आया तो मैं लाइव क्लास में इसको करा दूंगा, ठीक है। यहीं तक था आप लोगों का, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए जितना भी हम लोग सोल्यूशन कर लिए उसका पहले आप लोग फटाफट सवाल को देख लीजिए, जो भी सवाल था सारा कोई तो नहीं रह गया, देखिए हम लोग मिर्ज़ा गालिब से बना लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों ने रंज से खुगर इंसान तो मिट जाता है, इसका भी बना लिए, क्यों गर्दिश मुदाम से घबराना जाए, इसका भी बना लिए, ठीक है, ये दोनों को बना लिए क्योंकि दो ही बनाने बोला था, अब हम लोगों को बताया था इब्तदा से ही तबीयत कुछ ऐसी हुई कि हुकूमत का खा, इसका भी बना लिए हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। उसके बाद देखिए अपने बड़े भाई को ये खत के बारे में, खत का भी बना लिए वीडियो, अब आपका क्या हो गया कि अबुल कलाम आज़ाद ने अखबार खातिर, ये तो दो नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही बता दिया क्वेश्चन पढ़ के ही। अब देखिए और क्या पूछ रहा था, तलखीस पेश कीजिए, ठीक है तलखीस पेश कीजिए, तलखीस भी आप लोग पेश, तलखीस तो पेश नहीं किए आप लोग, बट क्या किए हम लोग, कामिल इनकलाब इसका भी पढ़ लिए, भोले बिस्तर गीत इसका भी पढ़ लिए, बरके कलीसा बिल्कुल 50 नंबर क्वेश्चन का हम लोग बिल्कुल सोल्यूशन कर चुके हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह गया है जिसका सोल्यूशन हम नहीं किए हैं, ठीक है। इससे पहले ऑब्जेक्टिव का जो है क्लास या फिर वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, ऐसा कोई भी आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इस चैनल पे कोई भी गलत पढ़ाया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जो अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक एक बार जरूर शेयर करना, ठीक है, मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।